सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको मिलती रहे। श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के वीरपुर के पास बाइक सवार को कंबाइन मशीन ने टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने उसे आनन फानन इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद शख्स को जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर कर दिया। घायल की पहचान इकौना इलाके के कंजड़वा निवासी इंद्रराज यादव पुत्र चेतराम यादव के रूप में हुई, जिसे डॉक्टरों ने इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर किया। बहराइच पहुंचते ही उपचार के दौरान इंद्रराज यादव अपनी जिंदगी हार गया। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के कंजड़वा का निवासी है इंद्रराज यादव, जो किसी कार्यक्रम में शामिल होने बाइक से सवार होकर खरगोपुर की तरफ जा रहा था। जैसे ही वीरपुर बाजार से थोड़ा आगे बढ़ा, तभी कंबाइन मशीन की टक्कर से वो चोटिल हुआ, जिसके बाद उसे इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इंद्रराज की हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया। बहराइच पहुंचते ही उपचार के दौरान 35 वर्षीय इंद्रराज यादव पुत्र चेतराम यादव की मौत हो गई, जिसके चलते पूरे परिवार में कोहराम पसर गया है। नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के वीरपुर चौराहे के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर कंबाइन मशीन की टक्कर लगने के बाद एम्बुलेंस की सहायता से उसे इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर कर दिया। बहराइच पहुंचते ही वो अपनी जिंदगी हार गया। श्रावस्ती जनपद में एक बार फिर से रफ्तार का कहर सामने आया। बाइक सवार 35 वर्षीय शख्स को कंबाइन मशीन ने टक्कर मारी, जिसके चलते बाइक सवार की उपचार के दौरान मौत हो गई। इकौना इलाके के कंजड़वा का निवासी है मृतक, जिसे इकौना से जिला अस्पताल बहराइच भेजा गया था, जहां पर वो अपनी जिंदगी हार गया।